Hey guys, welcome back to PTS CAD Expert, a true, valid and an authentic solution of learning for civil engineers. मैं इंजीनियर नसीर मिनिक और आप सबके लिए BBS ट्रेनर. So कैसे हैं आप guys? Hope you all are fine, doing great in your lives. So guys, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि BBS of circular slab कैसे निकालेंगे. और BBS आप सर्कुलर स्लैब निकालेंगे हम लोग दो तरीके से. पहला वाला तरीका जो रहेगा हमारे पास मैन्युअली, जिसमें मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूंगा आपको कि कैसे निकाला जाता है मैन्युअली. उसके बाद जो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारे पास एक्सेल फॉर्मेट्स. तो अगर आप भी चाहते हैं कि प्रोफेशनली कैसे BBS किया जाता है तो अभी जाइए प्ले स्टोर में, वहां पे PTS CAD Expert की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और BBS कोर्स वहां से बुक कर लीजिए. सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस फाइनली हियर वी आर. ये वो एक्सेल फॉर्मेट है जो हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में. ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे स्लैब का साइज क्या है, हमारे पास कवर क्या है, स्पेसिंग क्या है हमारे पास, यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे, उसके बाद कटिंग लेंथ, उसके बाद टोटल वेट, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग ये इसमें दो तीन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि मैन्युअली कैसे कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, तो पहले चलते हैं मैनुअल कैलकुलेशन पे, उसके बाद इसके ऊपर आते हैं. ये हमारे पास एक स्लैब है जिसका डाया हमारे पास कितना है 7-8000 mm. ठीक है, इसका डाया मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे. लेट मी मेंशन द डाया ऑफ स्लैब. डाया ऑफ स्लैब कितना है 8000 mm. और इसकी बात करेंगे हम लोग कवर की, स्लैब कवर या सिंपल कवर मेंशन करके रखूंगा मैं यहाँ पे. कवर मेरा यहाँ पे है 25 mm. कवर हो गया, क्लियर. इसके बाद बात करेंगे हम लोग मेन बार की. यहाँ पे ये जो L0 बार है यहाँ पे, इसकी बात करेंगे. ठीक है, एक और स्लैब में बना लेता हूँ. हमारे पास एक और स्लैब आ गई, क्लियर. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक सेंटर बार क्रॉस कर देता हूँ. ये मेरे पास एक सेंटर बार हो गया, मतलब मेन जो डाया बार है वो. तो यहाँ पे मैंने मेंशन किससे रखा है, L0 से. ओके, यहां पे देख लीजिए, यहां पे क्या करूंगा मैं, इस बार की कटिंग लेंथ कैसे निकाली जाएगी, यहां पे देख लीजिए, इस बार की कटिंग लेंथ यहां पे निकालेंगे कैसे. इस बार की कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग, सीधा सीधा क्या करना है, 8000 लेना है. 8000 मतलब जो डाया है, माइनस करना है कवर 25 × 2, बस हो गया. जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करके रखा हुआ है 7550. ओके, ये तो हो गया पहला वाला बार निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है. हमारा जो अगली कैलकुलेशन होगी वो है ये L1, L2, L3, क्लियर है. अब ये कैसे निकालेंगे आप, वो मैं बता देता हूँ आपको. एक चीज मैं बताऊंगा आपको, फिर समझ में आ जाएगा. अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे पास अगला बार है, इसको मैं डिफरेंट कलर से मेंशन कर दूंगा, लेट्स सपोज रेड. और एक यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे मेंशन करनी है, यहाँ पे स्पेसिंग कितनी है हमारे पास 150 mm सेंटर टू सेंटर. ओके, ये रहेगी हमारे पास स्पेसिंग. जब हमारे पास स्पेसिंग आ गई तो दैट मींस ये जगह हमारे पास कवर हो गई, ये एक पॉइंट. ओके, अगर मैं कर लेता हूँ इसको यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक स्पेसिंग डाल देता हूँ. ये स्पेसिंग किस चीज का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा. अब मैं दिखाता हूँ कैसे. अब देख लीजिए ये परपेंडिकुलर हो गया, क्यों, ये मुझे पता है 150 mm है. अब यहाँ मैं एक रेडियस डाल देता हूँ यहाँ से यहाँ तक. डायमीटर तो मुझे पता है, डायमीटर है 8000 mm, मुझे रेडियस भी पता चल गया 4000 mm. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन गई. जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है और उसके दो पार्ट्स या दो साइड्स हमें पता हो, तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से. कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूँ आपको. यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप, अगर आपका बेस पार्ट निकालना है, लेट्स सपोज ये बेस है और ये 150 एम वाला मेरा परपेंडिकुलर है, ये बेस कैसे निकालेंगे हम लोग, बेस निकालेंगे हम लोग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 4000 mm का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 150. जब हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आया है 3997.18 mm.
अब ये तो आ गया मेरा बी, लेकिन ये बी यहां से यहां तक है, लेकिन मुझे चाहिए टोटल ये। अभी मैंने यहाँ पे कवर के साथ नहीं खेला है, कवर में लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अब ये तो आ गया बी, लेकिन मुझे चाहिए यहां से यहां तक। उसके लिए क्या करूंगा मैं, उसको नाम देखेंगे हम जेड, तो जेड बराबर होगा 2 टाइम्स बी, समझ रहे हैं। तो जेड निकलेगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई पर जो बी का वैल्यू आया 3997, 3997 पॉइंट समथिंग, तो यहां से आ गया हमारे पास L1 का वैल्यू। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, L2 का भी निकालेंगे। L2 का कैसे निकालेंगे, अब मैं दिखा देता हूं आपको। अब यहां पे देख लीजिए, ये अब यहां पे देख लीजिए, यहां से यहां तक मेरा पास जो है ना, ये बना मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करूंगा मैं, यहां पे एक और डालूंगा मैं रेडियस, जो कि मेरे पास रेडियस हमेशा सेम सेम रहेगा, ठीक है। अब यहां पे निकालूंगा ये, यहां पे ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये कैसे निकलेगा, ये वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है हमें, और वहां से निकल के आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, ये पूरे निकालने के लिए उसको मल्टीप्लाई बाय 2 से करना है। जब आपके पास सारी कैलकुलेशन आ जाएगी, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करने के बाद आपको माइनस करना है कवर, ठीक है, कवर माइनस करना है दोनों साइड का, इस साइड का भी और इस साइड का भी कवर माइनस करना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं एक्सेल शीट्स पे, एक्सेल शीट पे देखते हैं कि हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ये रही अपनी एक्सेल शीट, ठीक है, ये इसको मैं क्या कर लेता हूँ, पहले इसमें चीजें डिलीट कर लेता हूँ मैं, कुछ चीजें डिलीट कर देता हूँ मैं, कुछ क्या, बहुत सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने कर दी डिलीट, क्यों, क्योंकि आप हम लोग बनाएंगे इसको, पहले हमें क्या क्या चीज चाहिए वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए, सीरियल नंबर पहला वाला पॉइंट, डायमीटर, डायमीटर ऑफ द स्लैब इन एमएम, डायमीटर ऑफ स्लैब इन एमएम, ठीक है, कितना है 8000 mm। रेडियस ऑफ द स्लैब, रेडियस ऑफ स्लैब कितना है मेरे पास, यही डायमीटर, इसके क्या करना है, इक्वल डायमीटर लेना है डिवाइड बाय 2, क्योंकि रेडियस जो होता है वो बराबर होता है डायमीटर अपॉन 2, ओके। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कवर ऑफ द स्लैब, कवर ऑफ द स्लैब मेरे पास है 25 mm, दोनों साइड से देखा जाए तो मेरे को मल्टीप्लाई करना है 25 × 2, इसलिए मैंने यहाँ पे 25 × 2 किया है। स्पेसिंग की बात करें, पहला वाला जो है मेन बार, जो डायमीटर बार है, उसकी स्पेसिंग मैंने नहीं ली है और आपको भी नहीं लेनी है, जीरो करना है वहां पर। उसके बाद स्पेसिंग फ्रॉम द सेंटर, उसकी स्पेसिंग फ्रॉम द सेंटर कितनी है, जीरो है, क्यों, क्योंकि वो सेंटर बार खुद है, और उसको उसके पास जो H1 है, सॉरी H0 है, परपेंडिकुलर जो वहां पर बना रहा है वो भी कुछ नहीं है, उसका नाम देंगे हम लोग H0। टोटल नंबर ऑफ बार्स, ये सेंट्रल बार जो है, ये नंबर ऑफ बार्स कितने निकलेंगे, 1, ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग डाया बार, डाया बार इन एमएम, हम लोग लेंगे, लेट्स सपोज 60 mm का बार लेंगे हम लोग। यूनिट वेट क्या लेंगे हम लोग, यूनिट वेट लेंगे हम लोग बी एल, बी स्क्वायर एल अपॉन 162, यूनिट वेट 1 मीटर लेंथ अगर हम लोग काटेंगे 16 mm डाया की, तो उसका वेट कितना निकलेगा वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए इक्वलिटी करना है, इक्वलिटी के बाद 16 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 162, ओके, ये आ गया। उसके बाद क्या करना है, ड्राई डाउन करना होता है और कुछ नहीं। उसके बाद कटिंग लेंथ, कटिंग लेंथ की बात करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे इक्वलिटी, इक्वलिटी के बाद ब्रेसेस ऑन करिए, ब्रेसेस ऑन करेंगे तो यहाँ पे 8000 है, ठीक है, माइनस ये कौन सी बार है, डायमीटर बार, माइनस करना करना है कवर दोनों साइड का, यहाँ पे देख लीजिए कवर माइनस कर रहा हूँ मैं, इनको ऑफ कर रहा हूँ ब्रेसेस में, डिवाइड कर रहा हूँ मैं 1000 से, फिर 1000 से मैंने डिवाइड कर लिया तो यहाँ पे आ गया 7.950, ओके। इस टाइप के बार कितने हैं हमारे पास, इस टाइप के बार हमारे पास एक ही है, आपको बात समझ में आ रही है, इस टाइप के बार हमारे पास एक ही है, क्यों, क्योंकि ये सेंट्रल बार है, डायमीटर बार है, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ बार लिखा है 1। टोटल लेंथ की बात करेंगे हम लोग तो इतना ही आएगा, और वेट करेंगे, वेट कैसे निकालेंगे, टोटल वेट, वेट निकालेंगे हम लोग जो हमारे पास टोटल कटिंग लेंथ आ गई, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यूनिट वेट के साथ, ये हो गया आपका, और यहाँ पे यूनिट हमारे पास किस चीज में आ गई, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सिंपल सिंपल सी चीज है। अब उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स निकालने हमें, नंबर ऑफ बार्स कितने निकलेंगे हमारे पास, ठीक है ना, नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे, लेकिन हम लोग नंबर ऑफ बार्स कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे वो मैं बता देता हूँ पहले आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। ये देख लीजिए हम लोग नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे यहाँ, यहाँ देख रहे ना, एक साइड नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे सेंटर से इधर तक, क्यों, क्योंकि सेंटर के नीचे भी तो वही लगेंगे,
तो मतलब फिर हम लोग लास्ट में डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई टू कर सकते हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस वाले पोर्शन में निकालेंगे। किस वाले पोर्शन में, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और स्लैब बना लेता हूँ, लेट सपोज ये हमारे पास स्लैब है और यहाँ पे हमारे पास सेंटर पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, बार्स निकाल रहा हूँ। बार्स कहाँ से कहाँ निकालूँ, इस पोर्शन में बार्स निकालूंगा और अगले वाले पोर्शन में सेम बार्स लगेंगे तो उसमें क्या करूंगा, फिर मल्टीप्लाई बाय टू करूंगा। ओके क्लियर, यहाँ तक वापस चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ बार्स। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने फार्मूला के साथ लगाया है माइनस वन। अब इस माइनस वन को पहले हटा देता हूँ मैं, या तो मैं पूरी फार्मूला ही आपके लिए फिर से लगा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लिखूंगा मैं इक्वल जी, इक्वलिटी के साथ राउंड अप करूंगा, ठीक है। राउंड अप करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रेसिस दूंगा, ब्रेसिस लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे हाफ बार्स निकाल रहा हूँ, हाफ साइड के बार्स निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, रेडियस लूंगा, ठीक है। डिवाइड बाई स्पेसिंग से करूंगा, स्पेसिंग कितनी है मेरे पास, स्पेसिंग मेरे पास ये 150 mm है, आप समझ रहे हैं, स्पेसिंग मेरे पास कितनी है 150 mm, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं ब्रेस ऑफ करूंगा, यहाँ पे प्लस वन करूंगा, कॉमा करूंगा, जीरो और ब्रेस ऑफ करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया 28 नंबर ऑफ बार्स। अब यहाँ पे मैंने इससे पहले आपने देखा कि मैंने माइनस वन किया, वो भी मैं दिखाऊंगा लास्ट में, लेकिन यहाँ पे क्यों मुझे क्या करना है, माइनस वन करना है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब आप देख लीजिए आगे इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे हम, किसकी, ये अगले वाले बार की कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैन्युअली, यहाँ पे देख लीजिए आप, मैं बात कर रहा हूँ इस L1 की, ये L1 की बात कर रहा हूँ, इस L1 की कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। यहाँ पे चलिए यहाँ पे आइए वापस। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कटिंग लेंथ निकाली हुई है, लेकिन इस कटिंग लेंथ को कैसे निकालेंगे वो मैं पता करता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको इक्वलिटी के साथ करना है ब्रेस ऑन। उसके बाद स्क्वायर रूट ले लीजिए एस क्यू आर टी, जो मैंने पहले मैन्युअली आपको सिखाया एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किस चीज का लेना है वो मैं बता देता हूँ, स्क्वायर रूट लेना है किस चीज का, हमारे पास रेडियस का मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, माइनस करना है किस चीज का, स्पेसिंग, कौन सी स्पेसिंग, ये जो स्पेसिंग है ना हमारे पास कहाँ, सेंटर से बाहर की स्पेसिंग वो, ठीक है, ओके। इन दोनों का हो गया, फिर क्या करना है मुझे, फिर ब्रेसिस ऑफ करनी है, ब्रेसिस ऑफ कर लिया मैंने, ओके क्लियर है। उसके बाद एक बार फिर से ब्रेसिस ऑफ करने हैं, ब्रेसिस ऑफ कर लिए, फिर माइनस करना है मुझे, सॉरी यहाँ पे माइनस करना है मुझे, माइनस करना है 50 से, ठीक है, ब्रेस ऑफ करूंगा मैं, डिवाइड बाय करूंगा 1000 से, क्यों, क्योंकि मैं एमएम को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो यहां पे आ गया मेरे पास 3.947, अगेन 3.947, लेकिन मेरा डायमीटर कितना है 4, आना चाहिए कितना 8 के करीब, 8 मीटर के करीब आना चाहिए, लेकिन आप किस कह रहा 4 मीटर, ये मैं हाफ निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और चीज करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, ओके हो गया ना 7894, ठीक है क्लियर है। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे क्या करना है, ब्रेसिस के साथ स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट किस चीज का, रेडियस का लेना है, रेडियस के बाद हमारे पास जो सेंटर तक, सेंटर से बाहर की डिस्टेंस है ना वो लेना है, उसके बाद माइनस करना है कवर दोनों साइड का, जो माइनस कर कवर कर लिया मैंने, इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने कवर ले लिया है खुद से, यहाँ पे मैं फॉर्मेट का कवर ले लेता हूँ, ठीक है ना ये, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया है, डिवाइड बाय किया है 1000 से, 1000 किस चीज का, मीटर में, एमएम में, मीटर में, एमएम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद मल्टीप्लाई मैंने किया 2 से, क्यों, क्योंकि मेरे पास टोटल कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी, ओके यहाँ तक क्लियर है। अब देख लीजिए यहाँ तक तो आप लोगों ने फॉर्मेट लगा दिया, अब क्या करना, अब करना कुछ नहीं है, इसको ड्रैग डाउन करना है, ड्रैग डाउन कर लिया हमने, और यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे भी इसको भी ड्रैग डाउन करेंगे, भैया ड्रैग डाउन करने की जरूरत नहीं है, डबल टिप करेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी डबल डबल क्लिक करिए, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट लगाना है, किस चीज का फॉर्मेट लगाना है देख लीजिए, इक्वलिटी करना है यहाँ पे सेंटर से, यहाँ पे फिर से मैं आपको बताता चलूँ कि अगले वाले बार की जो हमारे पास बार नंबर 3 है उसकी सेंटर से स्पेसिंग कितनी है, ठीक है, इक्वलिटी, पहले इससे पहले पहला वाला बार कितनी डिस्टेंस पे था, प्लस करना है 150 जो हमारे पास स्पेसिंग।
अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको ड्रैग डाउन कर लीजिए, वो ऑटोमेटिकली देगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है? ओके, आप देख लीजिए इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे ड्रैग डाउन, और उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स को भी ड्रैग डाउन कर लेंगे, ये भी ड्रैग डाउन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको भी ड्रैग डाउन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फॉर्मेट लगा चुके हैं हम, अब हमें मेहनत नहीं करनी है, उसको भी ड्रैग डाउन करेंगे, हो गया। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ बार्स, इस तरीके के नंबर ऑफ बार्स कितने हैं? दो, हमेशा दो। मैं कैसे, इस तरीके के बार्स हमेशा हमारे पास दो दो होंगे, क्यों मैं बता देता हूँ आपको, वेट करिए मैं दिखा देता हूँ आपको क्यों हमारे पास दो दो बार्स है। अब देख लीजिए, मैं इनका नाम दे देता हूँ सिस्टर बार्स। अब देख लीजिए कैसे, ये देख लीजिए, ये वाला बार है ये यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है, हो गया बार सिस्टर बार इसका, ये बार यहाँ पे भी है, ये बार ऊपर भी है, हो गई सिस्टर बार इसकी, ये बार यहाँ पे भी है और ये बार यहाँ पे भी है, हो गई सिस्टर बार इसकी। ओके, क्लियर है? क्लियर ना? ओके, अब देख लीजिए, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय टू कर रहा हूँ। और पहली वाली बार जो हमारे पास मेन कॉर्ड बार है, मेन डायमीटर बार है, वो एक ही है, ठीक है ना? ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, 28, लेकिन मेरे पास दोनों साइड का मिला के देखा जाए तो मेरे पास 56 बार होनी चाहिए और डायमीटर बार मिला के 57 होनी चाहिए, ठीक है ना? लेकिन मैं कितना लिख रहा हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ बार्स कितने, 28। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे कटिंग लेंथ तो आ गई मेरी, कटिंग लेंथ यहाँ पे मैंने निकाली, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय टू कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, देख लीजिए ना, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय टू, क्योंकि नंबर ऑफ बार्स मेरे पास टू है, आप समझ रहे हैं, ऊपर एक बार नीचे एक बार, अपर साइड में सेंटर के अपर साइड में एक बार, सेंटर के नीचे लोअर साइड में एक बार, दिखा दूं आपको, दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सेंटर के अपर साइड में एक बार, सेंटर के लोअर साइड में एक बार, ये एक बार और ये इसकी सिस्टर बार, ये इसकी बार और इसकी सिस्टर बार, ये आप समझ रहे हैं, क्लियर है? वापस चलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट लगाया हुआ है, ये कटिंग लेंथ मल्टीप्लाई विद दिस, और उसको ड्रैग डाउन करिए। अब यहाँ पे भी ड्रैग डाउन करिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे इक्वलिटी आपका टोटल कटिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाय आपका यूनिट वेट, यूनिट वेट आ गया, उसके बाद इसको ड्रैग डाउन कर लीजिए, ड्रैग डाउन कर लीजिए, हो गया। उसके बाद यहाँ पे केजीज, अब लास्ट में देखो ना, लास्ट में एक जगह थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, एरर आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए एरर कैसे आ गया, यहाँ पे अगर हम देख अगर आप देखेंगे ना, अगर आप देखेंगे हमारे पास टोटल कितनी है, हमारे पास टोटल कितनी है, स्पेसिंग 4000, हमारे पास जो स्लैब की स्लैब का साइज है हमारे पास कितना है, 4000, ठीक है ना? इक्वलिटी इसको लगाएंगे हम लोग राउंड अप, देखते हैं नंबर ऑफ बार्स कितने आएंगे। यहाँ पे एक नंबर ऑफ बार कम आएगा, राउंड अप, राउंड अप में हम लोग क्या करेंगे, राउंड अप लगाया हम लोगों ने, राउंड अप के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिंग, ये टोटल हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, डिवाइड बाई करेंगे स्पेसिंग से, कितनी है हमारे पास स्पेसिंग, ये के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके बाद प्लस वन करेंगे, प्लस वन कॉमा जीरो, और ब्रेसेस ऑफ करेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल ब्रेसेस लेने पड़ेंगे, हाँ ठीक है। अब आप देख रहे हैं नंबर ऑफ बार्स कितने आए, नंबर ऑफ बार्स आ गए 55। अगर हम यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, 28 एक साइड से, 28 एक साइड से और 28 दूसरे साइड से, तो कितने आ गए, 28, 28 कितने हुए, 28 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 कितने आए, 56। और हमारे पास सेंटर वाला बार कितना आ गया, 1, हो गए 57 टोटल। और ये बार, ये जो बार है ना, हम इसके हिसाब से हम लोग ये दो बार कैलकुलेट कर रहे हैं, पर यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये लास्ट वाले बार की कैलकुलेशन करके नहीं दे रहा। अब मैं दिखा देता हूँ मैं क्यों माइनस कर रहा था, यहाँ पे अगर आप माइनस वन करेंगे ना, यहाँ जहाँ आपने प्लस वन किया था, यहाँ पे माइनस वन करेंगे तो सारी कैलकुलेशन आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स कितने आ गए, 26। अब आप यहाँ पे देख लीजिए ये सब बार्स की कैलकुलेशन करके दे दिया, ठीक है ना? ओके, क्लियर है, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ पे राउंड ऑफ में क्या करना है, फॉर्मूला लगानी है, फिर आपको क्या करना है, लास्ट में माइनस वन करना है और आपके नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे। कितने नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे आपको वो देख लेते हैं। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे क्यू, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एरर है, कुछ हैशटैग कुछ करके आ रहा है। अब इस हैशटैग को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी आप देख लीजिए यहाँ पे जो मेरे पास जो स्पेसिंग है, कहाँ से, सेंटर से स्पेसिंग, सेंटर से स्पेसिंग वो एक्सीड कर रही है, क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है,
अब देख रहे हैं ना, मेरे पास अगर मैक्स टू मैक्स स्पेसिंग यहां से यहां तक होने वाली है, वो है मैक्स टू मैक्स स्पेसिंग मेरे पास 4000 होने वाली है। क्यों? क्योंकि डायमीटर मेरे पास 8000 का है, और यहां पे आप देख रहे हैं ना, यहां पे एक्सीड कर रहा है 4000 के, यहां पे एक्सीड कर रहा है 4000 के, तो यहां पे इसलिए एरर आ गया। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। ओके क्लियर है, डिलीट कर दिया हमने। तो यहां तक हमारे पास कैलकुलेशन आ गई। तो यहां पे कुछ नहीं करना है, ऑल्ट के साथ प्लस करना है। हो गया आपका, ये आ गया आपके पास 521.216 kgs। ये आपका लोहा आ गया, आपका रेनफोर्समेंट आ गया, टोटल रेनफोर्समेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल रेनफोर्समेंट। आप चाहे तो यहाँ पे वेस्टेज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, अभी हम लोग खाली सीख रहे हैं। ठीक है, अगला वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट जो है इसमें, वो ये है कि आपने खाली बार्स निकाले इस डायरेक्शन में अलॉन्ग एक्स, आप समझ रहे हैं। अगला वाला पॉइंट आपका रहेगा अलॉन्ग वाई, लेकिन वो निकालने की जरूरत नहीं है, यही बार्स वहां पे भी लगेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डायमीटर है स्लैब का सेम है, कोई दिक्कत नहीं इस बार। बस यहाँ पे एक चीज हो सकता है कि स्पेसिंग का इशू हो सकता है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे अगर आपके पास स्पेसिंग का इशू हो, तो आपको इसी फॉर्मेट में क्या करना है, स्पेसिंग चेंज करनी है। लेट्स सपोज आपका स्पेसिंग यहाँ पे 150 150 नहीं है, आपका स्पेसिंग यहाँ पे 250। लेट्स सपोज यहाँ पे 250 आपने चेंज कर दिया वन को में, क्लियर है। अब यहाँ पे वही वही, बस एक चीज का ख्याल रखना है आपको, यहाँ पे जो हमारे पास ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लगाऊ यहाँ पे 175 mm, आप देख रहे हैं ये पूरा करके दे देता है। यहाँ पे आपको ट्रैक डाउन करना है, ओके, रिजल्ट आ जाता है। और यहाँ पे 140 लगाएंगे तो 140 में भी आ जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, बस खाली आपको यहाँ पे इस चीज का ख्याल रखना है कि हमारा जो ये मेंस मेंस स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग फ्रॉम द सेंटर है, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस तरीके के फॉर्मेट्स बनाना सीखें और BBS अच्छे से आपको आ जाए, तो अभी चाहिए मोबाइल एप्लीकेशन PTS CAD एक्सपर्ट की, डाउनलोड करिए और अपना कोर्स बुक करिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।